नमस्कार। ओम शांति। कहावत है, कर भला तो हो भला, करते चलो सबका भला। एक व्यक्ति एक नगर में रहा करता था। माँ बाप का सर पर से साया उठ चुका था, न जमीन न जायदाद न कुछ, दूसरे के खेत पर काम करता था और वहाँ से उसे जो कुछ भी अन्न मिलता वो ला के घर में बना के खा के सो जाया करता था। नाम उसका रमेश था। कुछ दिन तक तो यूं ही चलता रहा। एक दिन उसने चार मोटी मोटी चपाती बनाई, ढक के रखा, कुछ काम से बाहर गया, लौट के आया तो देखा कि तीन ही रोटी है। अब जो व्यक्ति दिन भर काम करता है तो उसको कम से कम चार रोटी तो चाहिए चाहिए। समझ में नहीं आया कि कौन एक रोटी ले गया। दूसरे दिन फिर चार रोटी बनाई, ढक के रखी, लौट के आया तो देखा फिर एक रोटी गायब है। बहुत हैरान और परेशान हो गया, आखिर कौन मेरी एक रोटी ले जाता है, आधा पेट रह जाता हूँ। तीसरे दिन खुद रोटी बना के रखा और छुप गया कि देखूं कि कौन आके ले जाता है। और थोड़ी देर के बाद एक चूहा आया और वो एक रोटी ले जाने लगा। वैसे ही उसने चूहे को पकड़ लिया। कहा, भाई क्यों मेरा पेट पे लात मारते हो, क्यों मेरे हिस्से की रोटी तुम ले जाते हो, वैसे ही मैं गरीब इंसान हूँ, न दाल न सब्जी, रूखी रोटी नमक के साथ खाता हूँ, वो भी तो मुझे नहीं पेट भर खाने देते हो। चूहे ने कहा, ये तो मेरे भाग्य का है। उसने कहा, तुम्हारे भाग्य का है तो मेरे भाग्य का कहाँ जाता है। कहा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ। यहाँ से कई पहाड़ नदियाँ पार करके जाओ, मतंग ऋषि का आश्रम है, वहाँ पर जाके तुम अपनी किस्मत के बारे में भी जान सकते हो और जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों का उत्तर तुम पा सकते हो। रमेश ने सोचा, सही में जाना ही चाहिए, पूछ तो लूं कि क्या सारी जिंदगी यूं ही मुझे काटनी पड़ेगी या कभी मेरे जीवन में कुछ सुधार आएगा। और चलते चलते रमेश शाम तक चल रहा था। थोड़ा अंधेरा छाने लगा था, थक भी गया था। एक मकान बहुत बढ़िया देखा, दरवाजा नॉक किया, उस घर की मालकिन आई। कहा, मुझे काफ़ी दूर जाना है, अंधेरा हो गया, क्या आज रात मैं आपके यहाँ सो सकता हूँ। उसने कहा, आ जाओ। बहुत दयालु थी, काफ़ी पैसे वाली थी, काफ़ी अच्छे से उसको भोजन कराया। जब वो सोने जाने लगा तो उस मालकिन ने पूछा, आखिर तुम आ कहाँ से रहे हो, जा रहे कहाँ हो। उसने कहा कि मैं अपने घर से ये गांव से आ रहा हूँ और मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ, सुना है कि वो सारी बातें बता देते हैं, भाग्य की, किस्मत की, जो कुछ भी प्रश्न हो उसके उत्तर मिल जाते हैं। उस मालकिन ने कहा, ठीक है। रात को वो सो गया। जब सुबह जाने लगा, मालकिन ने उसको रोटी बांध के दी रास्ते में खाने के लिए। कहा, मेरा एक काम करोगे, कहाँ कहिए ना। कहा, मतंग ऋषि से पूछना, मेरी बेटी 20 साल की हो गई है लेकिन अब तक उसके मुंह से एक शब्द नहीं सुना, वो बोल नहीं पाती है, मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। कहा, ठीक है, पूछ के आ जाऊंगा। और रमेश चल रहा है, झाड़ी, जंगल, पहाड़ियाँ, बहुत दूर दूर तक कोई कोई नज़र नहीं आ रहा। और शाम होने वाली थी तो उसे एक और झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी में गया तो देखा एक तांत्रिक बैठा था। तांत्रिक को प्रणाम किया, उससे भी वही बात कही कि मुझे बहुत दूर जाना है, थक गया हूँ लेकिन मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर तो चाहिए। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरी शक्ति से मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर तुम्हें करीब तक छोड़ के आ सकता हूँ। तो रमेश ने कहा, अगर तुम्हारे में इतनी शक्ति है
तो तुम खुद वहां क्यों नहीं चले जाते? उसने कहा, मेरे को एक ही स्थान पर रहकर सिद्धि प्राप्त करने का वरदान है। मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरी जितनी भी सिद्धियां हैं वो समाप्त हो जाएगी, तो मैं दूसरी जगह नहीं जा सकता। हाँ, तुमको छोड़ के कुछ दूर पे और आ सकता हूँ, लेकिन पूछ के आना कि मेरी कब ये भक्ति और ये सब पूरी होगी और मुझे ज्ञान कब मिलेगा। कहा ठीक है, जरूर पूछ के आऊँगा। और तांत्रिक ने अपने कंधे पे बिठाया, कई पहाड़ियाँ कई जंगल लांघ कर एक नदी के किनारे छोड़ दिया। कहा अब यहाँ से तुम चले जाओ। और वो तांत्रिक लौट गया। अब सामने उसने देखा इतनी बड़ी इतनी गहरी नदी कि उसमें तो उसे तैरना आता ही नहीं था। वो वहीं पर बैठ के रोने लगा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, इतने लोगों की मदद करने के बाद भी मैं मतंग ऋषि के पास नहीं पहुंच पा रहा हूँ। वहीं बैठे रो रहा था कि तभी एक बहुत बड़ा कछुआ विशालकाय बोला, क्यों रो रहे हो? क्या मुझे उस पार जाना है? वो सामने जो कुटिया दिख रही है मतंग ऋषि की, वहाँ जाना है उनसे मिलने, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, इतनी बड़ी गहरी नदी में मैं उस पार कैसे जाऊँगा? तब उसने कहा, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा। और वहाँ पर उसने उस पार नदी के रमेश को पहुँचा दिया और कहा कि सुनो, मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर लेके आना, पूछना कि मेरे में अपार शक्ति है ड्रैगन बनने की, लेकिन 500 साल हो गए अब तक मैं ड्रैगन नहीं बन पाया। कहा ठीक है, जरूर मैं पूछ के आऊँगा। रमेश आश्रम में पहुँचा, आश्रम के लोगों ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, भोजन वगैरह परोसा, सारी व्यवस्था की। और शाम को मतंग ऋषि से मुलाकात हुई, देख के बहुत मन को प्रसन्नता मिली, क्योंकि ऋषि मुनियों के पास असीम शक्तियाँ होती हैं, आध्यात्मिक शक्ति जिसे कहते हैं, चेहरे पे तेज, वो प्योरिटी का, वो पवित्रता का गदगद हो गया। मतंग ऋषि ने कहा, बेटे मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में प्रश्न है, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे कोई 3 प्रश्न का उत्तर दूंगा, जो 3 प्रश्न पूछना है वो पूछ लो। अब रमेश असमंजस में पड़ गया, 3 तो उन 3 के प्रश्न थे, 1 प्रश्न तो मेरा था अपना, जिसके लिए मैं इतने पहाड़ नदी जंगल सब पार करके आया, अब करूँ तो क्या करूँ? दुविधा में पड़ गया। फिर मन ने, अंतर मन ने जवाब दिया, जिन्होंने तेरी इतनी मदद की, जो 500 साल से वेट कर रहा है, वो तांत्रिक न जाने कितने सालों से वेट कर रही है, वो माता 20 साल से अपनी बेटी के बोलने का इंतजार कर रही है, उनका दुख तो मेरे से बड़ा है, और बड़ा ना भी हो तो उन्होंने मेरा सत्कार किया था, मैं तो फिर कमाऊँगा खाऊँगा, जैसे चल रहा था वैसे चला लूँगा, देखता हूँ। और उसने कहा कि मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि वो माता जी ने पूछी है कि उनकी बेटी कब बोलेगी, क्योंकि 20 साल की हो गई उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मतंग ऋषि ने कहा कि उनसे कहना, जिस दिन उसकी शादी होगी उसी दिन से वो बोलने लगेगी। क्या ठीक है? कहा गुरु जी दूसरा प्रश्न, वो तांत्रिक मिले थे, उन्होंने कहा था मेरी साधना पूरी कब होगी, मुझे सत्य ज्ञान कब मिलेगा? उन्होंने कहा कि उससे कहना कि जिस दिन तुम्हारा अभिमान समाप्त तो हो जाएगा, मैंने कुछ किया है, जिस दिन तुम्हारा मोह सब चीजों से त्याग हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु जी प्रणाम, थैंक यू। एक प्रश्न और है, गुरु जी मैं आ रहा था नदी में, मुझे ऐसे ऐसे उसने पार कराया, और उसने बताया कि मैं 500 वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ, मेरे में अपार शक्ति है और ड्रैगन बन सकता हूँ, लेकिन 500 साल हो गए अब तक नहीं बना, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? गुरुजी ने कहा कि उससे कहना कि अपना कवच तोड़ दे, उसका कवच जो है वो जिस दिन टूट जाएगा वो ड्रैगन बन जाएगा। तीनों के प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे।
देख के मन वैसे ही बड़ा शांत हो गया था, जैसे कि किसी ने वरदान का हाथ रख दिया हो। और भरपूर होके दूसरे दिन रमेश वहां से निकल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचा, वही मिला। उसने अपने पीठ से उस पार उसको पहुंचाया और कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर लाए। कहा, मतंग ऋषि ने कहा कि जिस दिन तुम अपनी ढाल तोड़ दोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे, और उसी समय वो अपनी ढाल को तोड़ने के लिए इधर उधर करने लगा, और जब ढाल तोड़ा तो हजारों मोतियां उसके शरीर से निकलने लगे, और वो रमेश ने मोतियों को अपने साथ बटोरने लगा और लेके जाने लगा। कहा, यह ईश्वर की शायद कृपा है या मेरे लिए एक इशारा है। और जब उसका कवच टूट गया तो सही में वो ड्रैगन बन गया। वो हीरे मोती लेकर रमेश आगे बढ़ा तांत्रिक के पास, तो उनको भी बताया कि जिस दिन तुम्हारा अहंकार जो है वो समाप्त हो जाएगा, जिस दिन तुम्हें पूरी दुनिया से त्याग हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, उस दिन तुम्हारी सदगति और तुम्हें सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तब तांत्रिक ने सोचा, ये सारी शक्तियाँ इतने सालों मैंने प्राप्त की है, इस जंगल में मैं किसे ढूंढूंगा। कहा, बेटा तुम इधर ही रखो, मैं तुम्हारे को अपनी सारी शक्तियाँ दे रहा हूँ। और उसने अपनी सारी शक्तियाँ उसको दे दी, ये अच्छे कार्य के लिए यूज़ करना। और उस जैसे ही उसका मैपन टूटा कि मैं कुछ नहीं, वो ईश्वर ही सब कुछ है कराने वाला, और वो तांत्रिक को सत्य ज्ञान मिल गया। रमेश वहाँ से आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा तो वो माता के घर जब पहुँचा तो माता ने पूछा, बेटा मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो। कहा, हाँ माता जी, मतंग ऋषि ने कहा जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी कर दोगी उसी दिन तुम्हारी बेटी बोलने लगेगी। माता ने कहा कि अब मैं किसी और अच्छे लड़के को कहाँ ढूंढने जाऊँ, तुम हट्टे कट्टे अच्छे जवान हो, मेरी बेटी की शादी तुम्हारे से ही करवा देती हूँ। और उसने बेटी की शादी करा दी उसके साथ, और सही में रात को ही उसकी बेटी बोलना शुरू हो गई। माता जी ने बहुत धन धान दहेज बहुत कुछ दिया उन दोनों को, और रमेश लौट के आया। आज वो बहुत ठाठ से अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, उसके भाग्य जैसे दरवाजे खुल गए हो। कारण क्या था? उसने इतनी मेहनत की थी अपने लिए, लेकिन जब बात आई तो कोई तीन प्रश्न का ही उत्तर लेना था। उसने सोचा, मैं तो मजदूर हूँ, मजदूरी करके पेट भर लूंगा, लेकिन उन तीनों ने मेरी मदद की है तो उन तीनों का काम पहले उन तीनों के प्रश्न का उत्तर जरूर पूछ लेना चाहिए। जीवन में जब मौका आता है तो हम पहले अपने लिए सोचते हैं, लेकिन जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे, करते चलो सबका भला, तो उस दिन हमारा भला तो परमात्मा अपने आप कर देगा। कभी भी हम स्वयं के बारे में ना सोचे, जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो ऊपर वाला आपके लिए सोचता है। तो हम तो यही करेंगे कि जितना हो सके किसी का भला कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। अगर भगवान ने इस काबिल आपको बनाया है तो जरूर करिए, आपका वो करना व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वार्थ तो नहीं है, आपने स्वार्थ भाव से करिए, लेकिन वो परमात्मा की नोटबुक में आपका नाम नोट हो रहा है, आपके हर कर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं, और वक्त आने पर आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो यही कहेंगे, सच्चा त्याग ही, सच्चा प्यार ही, निस्वार्थ सेवा ही इंसान का सबसे बड़ा गहना है। और जिस दिन हम ये सीख जाएंगे अपने आप हमारा भला होते जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।